ये घोषणा पत्र कमरे में बैठकर पूंजीपतियों की लिस्ट पर नहीं बना है, ये घोषणा पत्र कुछ विशेषज्ञों या जानकारों से बात करके नहीं बना है, ये घोषणा पत्र इस देश की आवाज है। इसकी जो वेबसाइट भी थी उसका भी नाम था आवाज भारत की, और ये घोषणा पत्र भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिन करोड़ों लोगों से हम इस देश के मिले, जिनकी आशाओं को, अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को, उनकी आशंकाओं को भी, उनके दुख को भी, उनकी तकलीफों को भी, उनके दर्द को भी हमने सुना, ये उसका प्रतिबिंब है। क्योंकि 10 साल से ये देश बहुत सारी परेशानियां झेल रहा है, और उन सारी परेशानियों का इस घोषणा पत्र में, इस न्याय पत्र में समाधान है। ये कांग्रेस के वादे हैं, ये कांग्रेस की गारंटी है। हमारा शब्द चुना लेने से किसी के जुमले गारंटी नहीं बन जाएगी, ये कांग्रेस के वादे हैं, किसी के जुमले नहीं। आज की ये प्रेस वार्ता मुख्यतः इस घोषणा पत्र, इस न्याय पत्र जिसको हमने नाम दिया है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए है। परसों ये दिल्ली में हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने इसका विमोचन किया था, और कल पहले जयपुर में जहां पर अध्यक्ष जी, सोनिया जी और प्रियंका जी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करके इन बातों को बताया, और शाम को हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक विशाल जनसमूह का आवाहन और उसको संबोधन श्री राहुल गांधी जी ने किया और इस मैनिफेस्टो पर चर्चा की। मैं आपको क्रमवार तरीके से हमारे मैनिफेस्टो में क्या है उस पर तो जरूर बताऊंगी, लेकिन दो चार चीजें पहले बोल देनी जरूरी है। ये घोषणा पत्र कमरे में बैठकर पूंजीपतियों की लिस्ट पर नहीं बना है, ये घोषणा पत्र कुछ विशेषज्ञों या जानकारों से बात करके नहीं बना है, ये घोषणा पत्र इस देश की आवाज है। इसकी जो वेबसाइट भी थी उसका भी नाम था आवाज भारत की, और ये घोषणा पत्र भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिन करोड़ों लोगों से हम इस देश के मिले, जिनकी आशाओं को, अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को, उनकी आशंकाओं को भी, उनके दुख को भी, उनकी तकलीफों को भी, उनके दर्द को भी हमने सुना, ये उसका प्रतिबिंब है। और इस घोषणा पत्र के 5 प्रमुख स्तंभ है जो राहुल जी ने अपनी यात्रा के दौरान, जिस पर काफी विवेचना की थी और उसका आगाज किया था। युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और मैं क्रमवार तरीके से आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि 10 साल से ये देश बहुत सारी परेशानियां झेल रहा है, और उन सारी परेशानियों का इस घोषणा पत्र में, इस न्याय पत्र में समाधान है। मैं शुरू करूंगी युवा न्याय से। इस देश में बेरोजगारी 45 साल की चरम सीमा पर है। इस देश में बेरोजगार जब अपनी नौकरी की बात करता है तो उसको सड़कों पर लाठियों से पीटा जाता है। इस देश में बेरोजगारी का यह आलम है कि हर घंटे 2 युवा अपनी जान ले रहे हैं, और इसलिए जब हमने युवा न्याय की बात करी तो हमने साफ तौर पे कहा 30 लाख रिक्त सरकारी पद भरे जाएंगे सर्वप्रथम। हमारा दूसरा बड़ा आह्वान है किसी भी ग्रेजुएट या डिप्लोमा धारक को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग मिलेगी जिसमें 1,00,000 रुपए सालाना मिलेगा। और तीसरी बड़ी बात पेपर लीक की है। पेपर लीक होता है लाखों करोड़ों बच्चे जो साल दर साल मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप एक रोटी कम खाते हैं रात को कि बच्चा पढ़ लिख जाए, जो गाजर मूली की तरह बसों और गाड़ियों में भर के जाते हैं, एग्जाम देते हैं और फिर पता चलता है व्हाट्सएप पर पेपर लीक हो गया, कहीं और पर पेपर लीक हो गया। उससे पूरी तरह से छुटकारा दिलाने के लिए हम पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे और एक जॉब्स कैलेंडर बनाएंगे। घोषणा होने की नौकरी तक और नियुक्ति पत्र तक एक क्रमवार तरीके से नौकरी मिलनी चाहिए। कहीं पर भी अगर कुछ गड़बड़ होती है उसका एक बैकअप प्लान होना चाहिए। युवाओं के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना जो खास तौर से उत्तराखंड के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। आपके यहाँ से तमाम युवा इस देश की सेना में अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हैं, और इस सरकार ने सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए उनके शौर्य और पराक्रम का उभास उड़ाया जब इन्होंने 4 साल के लिए ठेके पर सेना में भी भर्ती शुरू कर दी अग्निवीर योजना के माध्यम से।
हमारा घोषणा पत्र, हमारा न्याय पत्र ये वचन देता है कि हमारी सरकार बनेगी और 4 साल की संधिविहीन योजना को खत्म किया जाएगा। और जैसे पुरानी नौकरी होती थी, जैसे सेना में चयन होता था, वैसे दोबारा से उसको बहाल किया जाएगा। ये युवा न्याय की बात ही और तमाम बातें, लेकिन मुख्य बिंदुओं पर ही बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं नारी न्याय की, और वो बात करनी जरूरी है। कहते हैं एक महिला को पढ़ा दो तो सारा परिवार पढ़ जाता है। हमारा मानना है कि अगर एक महिला के हाथ में पैसा आएगा तो परिवार की ही तरक्की होगी, स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ है वो ठीक होगा, पढ़ाई बेटर होगी, बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। और इसलिए महालक्ष्मी योजना के तहत हम गरीब परिवार की महिला मुखिया के अकाउंट में 1 लाख रुपए सालाना डालेंगे, जिससे उनके पास अतिरिक्त पैसा आए अपनी परिवार की देखरेख के लिए और वो परिवारों की बढ़ोतरी कर सके। ये बहुत बड़ी योजना है जो कर्नाटक और तेलंगाना दोनों जगह हम चला रहे हैं। महिला और आप जैसी यंग महिलाएं अगर सरकारी नौकरी पाना चाहती है तो सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण, नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं को देंगे। महिलाओं के लिए एक अन्य बहुत जरूरी चीज है कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाना। आपको हो सकता है दूर दराज के इलाकों से देहरादून आए हो काम करने के लिए, सुरक्षित वुमेन्स वर्किंग हॉस्टल हर जिले में होना चाहिए, हम ये सुनिश्चित करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बार ये देखा गया है कि महिला की का सम्मान, महिला के साथ अपराध तब होता है जब उसको अपने हक के बारे में नहीं पता होता है। कई बार महिला के साथ अपराध हो जाता है, उसको FIR नहीं लिखी जाती है, उसको नहीं पता है कि अगर उसको डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो क्या क्या कर सकती है। हर पंचायत पर एक महिला मैत्री, नारी मैत्री के अंतर्गत एक महिला की नियुक्ति करेंगे जो लोगों को उनके अधिकार, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में, उनके कानूनी विकल्पों के बारे में बताएगी। अगली बात मैं करना चाहती हूँ उस देश के किसानों की। उत्तराखंड में भी बहुत सारे किसान हैं और उत्तराखंड के की जो उपज है वो दुनिया भर में फेमस है। पिछले 10 सालों में जब जब किसान ने अपने हक की बात करी तो उस पर लाठियां बरसी, उस पर आंसू गैस के गोले चलाए गए। जब वो दिल्ली आना चाहते थे तो किसी ने दिल्ली को अपनी बपौती समझकर सड़कों पर कीले गड़वा दी, सड़कें खुदवा दी। 750 किसानों की शहादत हो गई, लेकिन MSP का कानून आज तक नहीं बना। ये समस्या है और इसके समाधान में हम किसानों के लिए 3 बातें कहते हैं। हम कहते हैं हम MSP की कानूनी गारंटी देंगे, हम कर्जा माफी करेंगे। इस सरकार ने 16 लाख करोड़ अपने मित्रों के माफ किए, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने पहले भी 72,000 करोड़ माफ किया 2009 में, दोबारा से करेंगे, जिससे कर्जे के कुचक्र से किसान आजाद हो सके। एंड बहुत बड़ी बात है, आज किसानों को खाद पर, दवाई पर, खेती के तमाम उपक्रम पर GST देना पड़ता है। हम खेती को GST मुक्त कराने की ओर बढ़ेंगे और किसानों के जीवन में खुशहाली इससे आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं श्रमिकों की। इस देश में हर घंटे अगर 2 युवा सुसाइड कर रहे हैं, 2 किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो 1/4 सारा आत्महत्या करने वाले डेली वेज लेबरर, वो तमाम गिग वर्कर्स जो आप ऑर्डर करते हैं Zomato से, स्विगी से, ब्लिंकिट से, जो 10 मिनट में आपके यहाँ खाना पहुंचाते हैं। कभी हम लोगों ने सोचा है कि जो 10 मिनट में आपके यहाँ खाना ला रहा है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसके परिवार का क्या होगा, कोई सुरक्षा है उसकी? हम गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक कानून बनाएंगे। हम मनरेगा, जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल के रख दी, उसका मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन तक बढ़ाएंगे। हम 400 रुपए प्रतिदिन मनरेगा का मानदेय बढ़ाया जाएगा। और बड़ी बात है कि जिस तरह की हेल्थ स्कीम हमने राजस्थान में चलाई, 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना, वो हम श्रमिकों के लिए भी चलाएंगे, लोगों के, जिस देश की जनता के लिए चलाएंगे, जिसमें ना सिर्फ इलाज बल्कि दवाइयां और टेस्ट भी इंक्लूड होगा। और अंत में मैं बात करना चाहती हूँ हिस्सेदारी न्याय की। हिस्सेदारी न्याय क्या है, इसके बारे में कुछ भ्रांतियां भी है, उन भ्रांतियों को भी दूर करना चाहती हूँ। हिस्सेदारी न्याय इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़ों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेगा ही,
लेकिन वो गरीब जनरल कास्ट के, जो कहने को तो सवर्ण है लेकिन इतने गरीब है कि वो बिल्कुल समाज के हाशिए पर है, उनका भी पता लगाएगा। और जैसा कि राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, जब आपके पैर में चोट लगती है तो इलाज तो वही कर सकता है जब जिसको एक्सरे का पता होगा, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, लिगमेंट रप्चर है या पूरी हड्डी टूट गई है, इसका निष्कर्ष एक्सरे से ही निकलता है। और यही काम सामाजिक और आर्थिक जातिगत जनगणना कराएगी, जिसको हम गिनती करो कहते हैं। हिस्सेदारी यह सुनिश्चित करेगी कि जिन आदिवासियों का घर उजड़ जाता है, जिन आदिवासियों के जंगल में आज घुसकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप जमीन दे रहे हैं, उनका जल, उनके जीवन के संसाधन दे रहे हैं, उस पर पहला हक उनका है और उनको वो हक मिलना चाहिए। वो सुनिश्चित हम करेंगे कि जहां पर, जिन जगहों पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वो अधिसूचित किए जाए। ये सारी बातें हिस्सेदारी न्याय की है, क्योंकि समाज के हाशिए पर 73% आबादी रहे तो देश का विकास नहीं हो सकता है। आपके सवालों का मैं स्वागत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहना चाहती हूँ। ये कांग्रेस के वादे हैं, ये कांग्रेस की गारंटी है। हमारा शब्द चुना लेने से किसी के जुमले गारंटी नहीं बन जाएंगे। कांग्रेस ने जो गारंटी कर्नाटका में करी थी, चाहे वो महालक्ष्मी हो, चाहे वो ग्रह ज्योति हो, चाहे वो ग्रह लक्ष्मी हो, चाहे फ्री बस सेवा, उसको हमने 6 महीने के अंदर पूरा किया। हमने रायतू भरोसा से लेकर महालक्ष्मी तक की योजनाएं पूरी करी तेलंगाना में। हमने हिमाचल में जो जो वादा किया था वो पूरा किया, और इतनी बड़ी विपदा आई हिमाचल में, उसके बाद भी अपने वादे पूरे किए। तो मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ, ये कांग्रेस के वादे हैं, किसी के जुमले नहीं।